आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है। मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने सुसाइड कर लिया, अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दुबग्गा के बेगरिया इलाके में घर है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है। सुसाइड के कारण क्या रहे अभी ये खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह ये मामला यहां से सामने आया सुसाइड का, इसके बाद से इलाके में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। मंत्री कौशल किशोर के भतीजे जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, वजह क्या रही ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने दुबग्गा के बेगरिया इलाके में घर है, हालांकि पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और जांच शुरू कर दी गई है। क्या कारण हो सकते हैं इन पहलुओं पर अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखनऊ से बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। तो सुसाइड के क्या कारण रहे हैं अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है जानकारी मिलते ही। अब पुलिस ने यहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और हर पहलू पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है जो इतना बड़ा स्टेप लिया है मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने। सुसाइड कर लिया उन्होंने, दुबग्गा के बेगरिया इलाके में इनका घर है जहाँ इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है और अब यहाँ जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। अतीक अहमद इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, ये मामला अपने आप में चौंका रहा है, मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने सुसाइड कर लिया है, अभी क्या वहां से अपडेट मिल रहा है, क्या कोई वजह अभी तक सामने आ रही है निकलकर? अतीक आवाज मिल रही है क्या आपको? शायद अतीक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता रहे हैं, मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन सुसाइड के पीछे के कारण क्या रहे हैं अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे ही ये खबर मिलती है पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद अब जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। ये क्या वजह रही आत्महत्या के पीछे, इस एंगल को देखते हुए पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। अपने ही घर पर आत्महत्या की है मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने, दुबग्गा के बेगरिया में इनका घर है जहां पर उसने सुसाइड किया है। अतीक एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अतीक, मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने सुसाइड कर लिया है, शुरुआती जानकारी क्या सामने आ रही है, कोई वजह अभी तक क्लियर हो पाई क्या? देखिए, ये रात की घटना है, कब तक वही लगभग 2 बजे की। हालांकि सुबह 8 बजे ये खबर मिलती है कि जो कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री है उनके भतीजे हैं नंद किशोर, उन्होंने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस मौके पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं ये पीछे का ये जो पूरा घर है यहीं पर ये जो पूरी घटना हुई है और लगातार पुलिस आके जांच कर रही है। हालांकि फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर आ चुकी है, परिजनों का कहना है कि अभी कुछ बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि रात तो ये खाना खा के अपने कमरे में चले गए थे और सो गए थे, उसके बाद ये जो सुबह उठते हैं उनकी जो बच्चे हैं वो जाके घर का कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाद जब ये पिता को अपने देखते हैं कि वो फांसी के बंधन से लटके होते हैं तब पूरे मोहल्ले में हाहाकार मचा और पुलिस को सूचना दी जाती है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, अब इस शुरुआती जांच में कुछ सामने ठीक से नहीं आ पाया कि किन कारणों से ये जो है आत्महत्या की गई है। ठीक है अतीक, शुक्रिया आपका।